बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खुशी का माहौल, खुशी की आमद पर खुशी का माहौल। साउथ कोरिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के बाद खुशी की आमद, 3 गोल्ड मेडल्स के साथ खुशी की आमद, ढेर सारी खुशियों के साथ खुशी की आमद। जी हाँ दोस्तों, कुदसिया नजीर जिन्हें सब खुशी के नाम से जानते हैं, अब पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का बाइस बन चुकी हैं। इसी माह की 16 तारीख यानी 16 मई 2023 को साउथ कोरिया में हुए एशिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स में कुदसिया नजीर उर्फ खुशी ने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। टफ कंपटीशन का मुकाबला करते हुए कुदसिया नजीर ने वेट लिफ्टिंग के जमरे में 3 गोल्ड मेडल जीतते हुए मुल्क का नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। 22 मई की रात बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर कुदसिया नजीर का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। कोच मोहम्मद अमानुल्ला और दीगर ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। बचपन में ही वालिद के साये से महरूम कुदसिया ने जिंदगी के कठिन मरहलों को पार करते हुए MBA तक की तालीम हासिल की और खेल के मैदान में अपने जोहर दिखाए। आइंदा साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का अज्म रखने वाली कुदसिया उर्फ खुशी तमाम ख्वातीन के लिए, खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए मिसाल बनकर उभर रही हैं। तो दोस्तों, खुशी की ये खुशी बरकरार रहे और यूं ही पूरे मुल्क को खुशियां मिलती रहें। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। बहुत बड़ा कारनामा आपका, 3 गोल्ड मेडल के साथ आ पाए हैं, क्या तफसीलात हैं बताएं। साउथ कोरिया जॉन बक के साउथ कोरिया को गई थी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए। ये एशिया पैसिफिक मास्टर्स 2023 गेम था और 72 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा था कंपटीशन, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल मिले। एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से था, एक एशिया पैसिफिक मास्टर गेम से और एक ओवरऑल चैम्पियनशिप की वजह से 3rd गोल्ड बैगेज किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, सफ़र भी अच्छा रहा, वहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा रहा, टफ रहा क्योंकि ये जापानीज, मंगोलियंस, कोरियन सब बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत हार्ड वर्किंग था इसके पीछे और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस थे। हर दिन 5 से 6 घंटा टाइम वर्कआउट करना था, प्रैक्टिस करना था। अल्हम्दुलिल्लाह 3 गोल्ड मेडल मिले। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और कितने सालों से आप इसमें मेहनत करते रहे? मैं 8 साल से वर्कआउट कर रही हूँ। इससे पहले मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है, खुदसिया नज़ीर के नाम से आप गूगल करेंगे तो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स मिलेगा। सिजरल सेक्शन के बाद मैंने 300 kg लिफ्ट किया है, तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ये मेरा इंटरनेशनल चैंपियनशिप रहा। एक गोल्ड मेडल लेना ही मुश्किल होता है, आप 3 गोल्ड मेडल लाए हैं जी। सारे हिंदुस्तान में मैं एक ऐसी एथलीट हूँ कि मुझे ये 3 गोल्ड मिले अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरों को सिर्फ एक ब्रॉन्ज या सिल्वर एक मेडल मिला, एक गोल्ड मेडल मिला इस टूर्नामेंट में जी। इस टूर्नामेंट में कितने पार्टिसिपेंट्स थे? हिंदुस्तान में पूरे 80 पार्टिसिपेंट थे, लेकिन वेट लिफ्टिंग में मैं और एक लड़की है केरल से, केरल से दो हम लोग वेट लिफ्टर्स थे। किसकी तरफ से यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप गए? मास्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग गए थे। दो लोग आप वहाँ पे गए थे? हाँ, वेट लिफ्टिंग के लिए 2 लोग ही थे। तो वहाँ पार्टिसिपेंट्स कितने थे? वहाँ पे पूरे 20,000 लोग थे, कम से कम 20,000 सारे गेम्स में। 16 गेम थे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड जो सब होता है, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग सभी में 20,000 एथलीट थे। पूरे दुनिया 72 कंट्रीज से आए थे। वेट लिफ्टिंग में क्या कौन सा स्टेप था आपका? स्नैच और क्लीन एंड जर्क था, इसमें मैंने 130 किलो उठा के मेरा गोल्ड हुआ, सबसे ज़्यादा मैंने लिफ्ट किया तो मेरा गोल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 130 किलो स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क था। तो इसके अंदर जो है कितने फाइनल में कितने पार्टिसिपेंट थे जो
शॉर्टलिस्ट हुए थे? हमारे मेरे वेट बॉडी वेट कैटेगरी में मेरा 87 बॉडी वेट कैटेगरी था, इसमें तीन लोग थे, तीन में से एक डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि वो बहुत सिस्टमैटिक लोग हैं, बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं साउथ कोरियंस, वो वक्त पे नहीं आई तो उसको डिस्क्वालीफाई हो गई, तो सिर्फ तीन लोग थे हम लोग। तो क्या उम्मीद थी आपको जब यहाँ से आप जा रही थी, तो क्या भरोसा था आपको? मुझे अल्लाह के ऊपर बहुत यकीन था कि मैं जीत के ही आऊँगी और हिंदुस्तान के वास्ते जीत के आऊँगी, और मेरा नेक्स्ट मंथ जून में फिनलैंड है, यूरोपियन गेम्स को भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इस एशियन गेम्स के बाद मेरा ये एशियन पैसिफिक गेम्स के बाद नेक्स्ट ईयर मेरा कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आम तौर पर देखते हैं कि मुस्लिम खातून जो है ज़्यादातर इस तरह के नहीं लेते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस बात? जब आप कुछ करना चाहते हैं क्योंकि आपकी एक ही ज़िंदगी है, हमें एक ही बार पैदा होना है, एक ही बार मरना होता है, तो इसके बीच में की जो ज़िंदगी होती है उसमें एक अपना चॉइस होता है कि ज़िंदगी में क्या कर गुजरना है, अपने हिंदुस्तान के लिए क्या करना है, तो मुझे हिंदुस्तान के लिए कुछ करना था क्योंकि हमें इतना सब मिल रहा है एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, हमें इतना सब मिल रहा है तो इसके बदले में हमें कुछ देना है, तो इसलिए मैंने हमारे वालिद जो थे, वालिद साहब वो रेसलर थे, नेशनल रेसलर थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का खून है, तो मैंने ये स्पोर्ट्स चूज़ किया क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, नाम, अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम, बहुत इज्जत और सेहत, इंसान को सबसे पहले सेहत की ज़रूरत होती है तो इसमें सेहत मिलती है, और दूसरे लड़कियों को औरतों को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं ये सारे हिंदुस्तान के लड़कियों से यही मेरी एक इंतजा है कि वो भी स्पोर्ट्स में आए, अच्छी तरह से खेले और अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। मैं पहले एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे कोच साहब का, ये हमारे अमान साहब हैं, तो इन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं के मोटिवेशन की वजह से और इनके एक भरोसे की वजह से मैं इतना बड़ा कदम ले पाई, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इंजरी नहीं हुआ इस पूरे सफ़र में, तो अमान साहब को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मेरा ये मैसेज है कि लाइफ में ना कभी डिप्रेस होना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को डिप्रेस होना नहीं चाहिए, और एक अल्लाह के ऊपर से यकीन कभी हमें मतलब यकीन मतलब उसे बनाए रखना है, और मैं सभी से यही इल्तिजा करती हूँ कि जो अपनी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनको सब सपोर्ट करें और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका दें और उनके ऊपर भरोसा करें, तो ये सब होगा, एक लड़की के ऊपर भरोसा करने से ये सब होगा। ये कि कहाँ आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, तबीयत कहाँ हुई और किस प्लेस से आप बिलोंग करती हैं? जी मैं बंगारपेट में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, कोलार डिस्ट्रिक्ट का बंगारपेट में। तो अभी फिल वक्त पढ़ाई पर कहाँ? मेरा बी कॉम हुआ और एमबीए मेरा ख़त्म हुआ है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से, और मेरा के एस आर टी सी में जॉब है, सेंट्रल ऑफिस के एस आर टी सी में मैं काम करती हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जी बेंगलुरु सेंट्रल ऑफिस में। आपने ये भी यानी स्पोर्ट्स में भी आपने जी स्पोर्ट्स कोटे में जॉब लगा? नहीं नहीं, ये मेरे वालिद का जॉब था, जब मैं 2 साल की थी उनका इंतकाल हो गया था तो अनफॉर्चुनेटली तो उनका जॉब मुझे मिला, फिर उसके बाद अभी मैं सेंट्रल ऑफिस में यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और ये जो है मेरा स्पोर्ट्स जो है वो मेरा पैशन है, चाहे मुझे कोई इसमें सपोर्ट करे या ना करे, जो अपना दिल से कुछ आप चाहते हैं ना वो कर गुजर जाते हैं, तो यही था। परमिशन वगैरह मिल गई? हाँ, डिपार्टमेंट से मुझे ऑन ऑफिशियल ड्यूटी की तरह मैं गई थी, जो हमारे एमडी साहब हैं श्री अनबू कुमार जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, लास्ट ईयर मई से वो मुझे 4 घंटे टाइम रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने टाइम दिया, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतने बड़े इंसान उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे परमिशन दिया। आपने कुछ किया? बहुत बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि 3-3 गोल्ड मेडल हुआ, और
बहुत 10-12 साल से मैं कोचिंग में हूँ और मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ कि ये बहुत सारे लेडीज़ को उतना एंथुजियाज़म नहीं रहता है और उतना पहली बात एक इंटरेस्ट और एक मोटिवेशन नहीं रहता है उतना देर, तो मैं एक इंटरेस्ट और एक मोटिवेशन इनमें देख पाया। बस इनको एक राइट पाथ दिखाना था और एक राइट इनको एक इनकी एक जर्नी दिखाना था मुझे। तो जब इनकी स्ट्रेंथ को मैंने एक स्ट्रेंथ को मैंने इनका देखा और एनालाइज किया, फिर मुझे पता चला कि इनको वेट लिफ्टिंग में हम इनको दाखिल करा सकते हैं। और जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत कम टाइम में, आप तो भरोसा नहीं करोगे, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे थे ये। तो उसमें मुझे एक बहुत इंटरेस्ट दिखने में, फिर उनको अच्छे टेक्निक्स और उनको इंजरी फ्री और उनके डाइट पे काम करने के बाद उनका ये अच्छा रिजल्ट आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत काम करने का है इंशाल्लाह। आगे कॉमनवेल्थ का हमारा टारगेट है, तो इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ, जब कॉमनवेल्थ से हम गोल्ड लेके आएंगे फिर एक सपना पूरा होगा मेरा, हमारा और हिंदुस्तान का। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स? जी 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 बिल्कुल। ये तो अगले साल कॉमनवेल्थ का जब डेट निकलेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर अराउंड मार्च से जून में एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, बट तैयारी तो शुरू हो गई है और तैयारी आप देख रहेगी किस तरह हुई है और आगे भी और अच्छी तैयारी देखोगे आप। जी वो 25 जून में है और इंशाल्लाह वापसी रहेगी 10 जुलाई में, और इस बार मैं भी साथ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इंटरनेशनल मुकाबला हुआ साउथ कोरिया में? जी जी, ये इंटरनेशनल है, फिनलैंड भी यूरोपियन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ही रहेगा, तो ये एक्चुअली हमारा मेन टारगेट है। तो ये कितनी अहम है ये कामयाबी इनके लिए? बहुत 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 बड़ी कामयाबी है उनके लिए, और जो बहुत सारे लड़कियों हैं हमारे कौम में या कोई भी लड़कियों इनको लड़कियां इनको देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है ये। तो इनका मास्टर्स रहने की वजह से तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये। वेट लिफ्टिंग में बॉयज़ का ही ज़्यादा बलबा रहता है? नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बॉयज़ में, और लिफ्टिंग भी उनका वेट्स लिफ्टिंग उठाना भी बहुत ज़्यादा है, अनलाइक फीमेल्स में बहुत कम है ये। इसका बहुत एडवांटेज लेना है हमारे देश में, सब सारे लड़कियां इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो एक मैसेज और एक मोटिवेशन आगे हम यही मैसेज पास ऑन करेंगे कि देश में जितने भी सारे लड़कियां हैं वो उनका स्ट्रेंथ और उनकी एबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप जिम जाओ, या आप कौन सा भी आपका स्पोर्ट्स आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है, आपकी एबिलिटी फाइंड आउट करो उसमें, तो आपको डेफिनेटली मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ रंग लाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद अमानुल्लाह है, अमान से जानते हैं सब लोग। कहाँ पे ट्रेनिंग? ट्रेनिंग होती है बैंगलोर में, कोरमंगला में, रिसेट एकेडमी में। नहीं, रिसेट करके एक जिम है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, और फिलहाल मैं भी उधर ही काम कर रहा हूँ। Not waste your life.